रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 4 आर्टिकल हमारे पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी, तो आर्टिकल डियर स्टूडेंट हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफाइन करते हैं सबसे पहले, द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिप्रेजेंट करते हैं आई से, अकॉर्डिंग डेफिनेशन फार्मूला हमारे पास है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट, चैप्टर 3 के अंदर हम सिंपल इनर्शिया को पढ़ चुके हैं। हम कहते हैं इनर्शिया क्या है, किसी भी जिस्म की एक प्रॉपर्टी है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट के खिलाफ क्या करती है, एक्ट करती है। मिसाल तो मतलब स्टेट में चेंज के खिलाफ एक्ट करती है। मतलब अगर हम उस वो रेस्ट पे है, उससे मोशन मिलाना चाहें तो हमारी फोर्स अगेंस्ट वर्क डन करेगी, और अगर वो मोशन में है हम उसे रेस्ट में लाना चाहें तब भी वो क्या करेगी, हमारी फोर्स अगेंस्ट वर्क डन करेगा इनर्शिया। तो यहां पर भी सिमिलरली हमारे पास वहां पे सिंपल इनर्शिया था, यहां पे हमारे पास है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, चूंकि हम एंगुलर मोशन यहां पे बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पे ले लिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये होता क्या है, चलिए देखते हैं और साथ में इसको कैलकुलेट भी करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत छोटा है। मैंने क्या किया, इसे एक रॉड के साथ अटैच कर दिया। अब वो रॉड कुछ इस तरह का था कि उसका जो मैप था बिल्कुल निगलीजिबल था। क्लियर, उसे मैंने अटैच कर दिया एक फिक्स पॉइंट के साथ। अब मैंने किया क्या, इस मैच के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाई टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल का मतलब परपेंडिकुलर, एक बिल्कुल लीनियर फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट की। अब ये लीनियर फोर्स जो स्टूडेंट क्या करेगी, इस पार्टिकल को, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएगी विद इन सर्कुलर मोशन। अब जाहिर सी बात है, जब फोर्स लगेगी तो इस मैच के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कितना, हमने उन्होंने सर्कल लॉ मोशन ने बता दिया कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब चूंकि ये पार्टिकल किस में है, सर्कुलर मोशन में भी है, और साथ में हमें पता है कि जब भी एक पार्टिकल डियर स्टूडेंट क्या करता है, सर्कल में रोटेट करता है, तो उसके पास हर पॉइंट के ऊपर दो तरह की वेलोसिटी होती हैं, लीनियर भी वेलोसिटी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर फिर छोड़ दोगे तो वो लीनियर डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ पे मैं फिर छोड़ता हूँ तो लीनियर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ से कुछ इस तरह ये मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर उसके पास दो वेलोसिटी है तो उसके पास एक्सेलरेशन भी दो ही होंगे, एक लीनियर एक्सेलरेशन और दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उन दोनों के मैंने माना, हमने एक रिलेशन बिल्डअप किया हुआ है जिसे हम नाम दिया ए इज इक्वल टू आर एल्फा। अब इसे लीनियर एक्सेलरेशन के साथ साथ आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। तो अब अगर मैं इस लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम आर एल्फा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब दोनों साइडों पे आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। अब हमें पता है आर एफ किसकी इक्वल होता है, ये तो टॉर्क का फार्मूला है, हम टॉर्क लिख देंगे। इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर किसका फार्मूला है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, तो आई आ गया साथ में एल्फा। अब जरा गौर कीजिए, ये हमारे पास क्या आ चुका है, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। अब मैं थोड़ा तो कंपैरिजन करने लगा हूँ डियर स्टूडेंट, देखिएगा जरा। हमें पता है टाउ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा, मतलब टाउ आई एल्फा, साथ में हमारे पास क्या एफ इज इक्वल टू एम ए। वरा कंपेयर करो डियर स्टूडेंट, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे टाउ इक्वल है एफ के और हमारे पास एल्फा इक्वल है ए के और एम आर स्क्वायर इक्वल है एम के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम मैस प्ले करता है सिंपल लीनियर इनर्शिया के अंदर, वही काम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, एंगुलर मोशन के अंदर क्या करता है, प्ले करता है। मतलब कहने का ये, हमारे पास सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्ले द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मैस इन लीनियर मोशन। जैसे कि लीनियर मोशन में पता है जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मैस होगा उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट के मैस की। क्लियर, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर भी कर दिया कि ये सिंपल लीनियर फोर्स, ये एंगुलर फोर्स, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होगा, ये सिंपल सॉरी ये हमारे पास इनर्शिया किसके लिए होगा, लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होगा, एंगुलर मोशन के लिए होगा। अब हमने बोल दिया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसके लिए हमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक कीमत की जरूरत होगी। साथ हमने बता दिया इसके यूनिट्स, यूनिट्स क्या है हमारे पास, के जी मीटर स्केयर, और डायमेंशन लिखेंगे एम एल स्केयर।
चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो डेयर स्टूडेंट फर्स्ट कीजिए, मेरे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है, मेरे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर हमारे पास डिफरेंस मास कंसंट्रेशन है, मतलब किसी पॉइंट के ऊपर मास ज्यादा है, किसी के ऊपर कम है, मतलब हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट मैसेज है। तो मैंने इस बॉडी को एन नंबर ऑफ मैसेज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट कीजिए ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके इस बॉडी ने क्या करना है, रोटेट करना है। अब ये हमारे पास क्या है, एक्सिस रोटेशन। तो मैंने हर मैथ कंसंट्रेशन का एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आर वन आर टू आर थ्री, और चलते थे कहाँ तक गए, हम आर एन तक गए। अब मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट के लिए अलग से उसका क्या करूंगा, टाउ कैलकुलेट करूंगा। तो इसके लिए किया, तो हमारे पास आया टाउ वन इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वेयर अल्फा वन। सिमिलर करते करते कहाँ तक गए, एन तक गए। टोटल टॉर्क फाइंड आउट करना था, तो सभी को क्या कर देंगे, डियर स्टूडेंट ऐड कर देंगे। अब सभी की वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें पता है ईच मास रोटेटिंग विद सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्ट किधर हैं, इसी इसी रिजिड बॉडी के ऊपर ही है। तो जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो जाहिर सी बात है सभी का सेम एक्सेलरेशन होगा। मिसाल तौर पे अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए डियर स्टूडेंट, आपकी पूरी क्लास किसी ट्रिप पर जा रही है, तो आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, अब जाहिर सी बात है जो एक्सेलरेशन ड्राइवर का होगा वही एंड लास्ट बैठे हुए बच्चे का होगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अब जो एक्सेलरेशन गाड़ी का होगा वही गाड़ी के अंदर बैठे हुए हर आदमी का वही एक्सेलरेशन होगा, हर स्टूडेंट का वही एक्सेलरेशन होगा। तो अब फर्ज के लिए ये सारे के स्टूडेंट ही हैं और ये रिजिड बॉडी क्या है, एक गाड़ी है। तो अब ये गाड़ी जिस एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगी, सारे के सारे इसके अंदर मास कंसंट्रेशन का हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम होगा, कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैंने फिर क्या कर दिया, सभी के साथ अल्फा डिनोट कर दिया। अब अल्फा सभी में सेम था, कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास सम था, सिंपल है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इस सम को मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। सिग्मा आई वन से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, एन तक, एम आई आर आई का स्क्वेयर। अब इसकी जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अब हमें पता है ये किसकी इक्वल होता है, ये तो आई की इक्वल होता है, तो टाउ हमारे पास इक्वल आ गया अल्फा आई के। फिर हमने रिलेशन क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, किसके लिए, रिजिड बॉडी के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा आर्टिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लास्ट पे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के लास्ट पे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और इन कमेंट्स के अंदर आप स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।